गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस, वेलकम बैक अवर नेक्स्ट वीक क्लास। सो स्टूडेंट्स, इन लास्ट क्लास वी स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट द चैप्टर नंबर 8 वाटर, एंड वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द यूजेस ऑफ वाटर, सेव वाटर एंड सोर्सेस ऑफ वाटर। सो टू बी कंटिन्यू इन दिस चैप्टर, नेक्स्ट टॉपिक इज रिव्यू द चैप्टर। ओके, सो फर्स्ट नंबर इज RAIN रेन, IS इज TH द, MAIN मेन, SOURC is source, OF of WATER water, rain is the main source of water। देखिए, जो बारिश होती है वो पानी का मेन सोर्स होती है, मीन जो हमारे रिवर्स है, लेक्स है, पॉन्ड्स है, ये सभी बारिश के द्वारा ही फिल होते हैं। तो बारिश जो होती है हमारा पानी का मेन सोर्स है। यदि बारिश नहीं होगी तो हमें पानी भी अच्छे से प्राप्त नहीं होगा, हमें मतलब पानी की पूर्ति नहीं हो पाएगी। इसलिए जो बारिश होती है हमारा, इसी हम कहते हैं कि बारिश हमारी मेन सोर्स है वाटर की। ओके, नाउ सेकेंड इज AELL LIVING लिविंग, THINGS थिंग्स, NEED नीड, WATER वाटर, ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर। जितने भी लिविंग थिंग्स है, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस, सभी को पानी की जरूरत होती है, पानी एक बेसिक नीड है। थर्ड पॉइंट, YOU SHOULT शूट, NOT नोट, WASTE वेस्ट, WATER वाटर, यू शुड नॉट वेस्ट वाटर। आपको पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। YOU SHOULT शूट, SAVE सेव, IT यू शूड सेव इट। आपको पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको पानी को सेव करना चाहिए। जितनी जरूरत है उतना ही पानी यूज करना चाहिए। ओके, फोर्थ पॉइंट, WATER वाटर, ISEs USED used, FOR4 DRINKING drinking, WASHING washing, BATHING bathing, CLEANING cleaning, COOKING cooking, WATERING watering, PLANTS plants, ETC extra। वाटर इज यूज फॉर, देखिए पानी का उपयोग हम पीने के लिए, ड्रिंकिंग मतलब पीने के लिए, वॉशिंग मतलब कपड़े धोने के लिए, बर्तन मांजने के लिए, बाथिंग मतलब नहाने के लिए, क्लीनिंग मतलब साफ सफाई करने के लिए, कुकिंग खाना बनाने के लिए, वाटरिंग प्लांट्स एंड पेड़ पौधों को भी पानी देने के लिए ही पानी का ही यूज किया जाता है। इसके अलावा भी जैसे पशुओं को नहलाना और भी जो जरूरी वर्क रहते हैं, जैसे अपने व्हीकल्स वॉश करना, ये सभी हम क्लीन करना, ये सभी हम वाटर के द्वारा ही कर पाते हैं। तो पानी हमारे लिए बहुत जरूरी बेसिक नीड है, हम पानी का उपयोग हर एक जगह करते हैं। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ इज YOUGET कैट, WATER वाटर, FROM फ्रॉम, RIVERS रिवर्स, PONDS ponds, LAKES lakes, ETC extra। You get water from rivers, ponds, lakes etc। हमें जो पानी प्राप्त होता है वो नदी, तालाब, झीलों से प्राप्त होता है, लेकिन जो हमारे अर्थ पे जो पानी, हमारी पृथ्वी पे जो पानी है, सीज एंड ओशियंस का, वो पानी हमारे लिए फिट नहीं है ड्रिंकिंग के लिए, क्योंकि उस पानी को बहुत ज्यादा पानी साल्टी है, जिसमें मतलब नमक की मात्रा बहुत ज्यादा है, जिसे हम अपने दैनिक कार्यों में यूज नहीं कर सकते हैं। तो इन सब का मेन सोर्स है बारिश, और इन्हीं के द्वारा, बारिश के द्वारा ही ये जो रिवर्स है, पॉन्ड्स, लेक्स फिल होते हैं, और यही पानी हमें सप्लाई किया जाता है। और जो अंडरग्राउंड पानी होता है वो हम ट्यूबवेल्स के थ्रू या वेल्स के थ्रू यूज करते हैं। ओके, सो स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर नाउ। इन नेक्स्ट क्लास वी आर डूइंग अवर नेक्स्ट रिविजन। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।